हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन हार के बाद से राहुल गांधी खासे नाराज नजर आ रहे हैं हुड्डा और उदयभान से। माना जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बदले किसी दूसरे विधायक को चुनकर ला सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को विधायक दल का नेता बनाकर एक बड़ा दाव खेल सकती है। हालांकि चंद्रमोहन हुड्डा गुट से नहीं है, ऐसे में अगर उनको विधायक दल का नेता बनाया गया तो हुड्डा गुट के नेता विरोध कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि पार्टी अब कुछ सख्त कदम उठा सकती है। दरअसल प्रदेश में मिली हार के बाद दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि हरियाणा में कुछ नेताओं के हित पार्टी से ऊपर हो गए। राहुल के इस बयान के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। लेकिन राहुल के बयान के मायने यही हैं कि हरियाणा कांग्रेस में अब हाईकमान बड़े बदलावों की ओर देख रहा है और इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी के बदलाव से की जा सकती है। तो ऐसे में अब बात करते हैं चंद्रमोहन बिश्नोई की। तो चंद्रमोहन का नाम आगे करने से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा गैर जाट वोटों के रूप में मिल सकता है। बता दें कि चौधरी भजन लाल गैर जाट मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे। ओबीसी और पंजाबी वोटों पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। चंद्रमोहन का नाम आगे करने से गैर जाट वोट कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं। इस बार के चुनाव में भी गैर जाट वोट कांग्रेस को कम ही मिले थे और इसका सीधा फायदा भाजपा ने उठाया। इसी तरह से चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस के अनुभवी विधायकों में से एक है। हालांकि उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समक्ष राजनीति की शुरुआत की थी। इसके अलावा चंद्रमोहन की गिनती शैलजा गुट में शामिल नेताओं में होती है। चंद्रमोहन के लिए शैलजा हाईकमान तक लोबिंग कर रही है, हालांकि वो अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही हैं। मगर कांग्रेस की हार के बाद हाईकमान शैलजा के फैसलों को तवज्जो दे सकता है। ऐसे में चंद्रमोहन का नाम आगे करने से शैलजा को भी हरियाणा में अपनी मजबूती जमीन बनाने में आसानी होगी। ऐसे में अगर हम बात करें तो चंद्रमोहन की, तो चंद्रमोहन पूर्व सीएम भजन लाल के बड़े बेटे हैं। बड़ा बेटा होने के नाते भजन लाल की विरासत के वोटर उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस हाईकमान का हुड्डा को झटका लगना संभव माना जा रहा है। शैलजा के करीबी को विपक्ष दल का नेता जो है वो घोषित किया जा सकता है। चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम सबसे आगे निकलकर सामने आ रहा है। तो हुड्डा पर गाज गिर सकती है, प्रदेशाध्यक्ष पर गाज गिर सकती है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, हुड्डा को हटाया जा सकता है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।